नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल विच कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर। यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ में एक स्टूडेंट से आप मान सकते हो कि टर्न हुए एंटरप्रेन्योर, एक एक्सपोर्टर हमारे साथ में है। हैंड्स एंड क्राफ्ट इन्होंने अपनी कंपनी डेवलप की और उसमें स्पेशली कारपेट और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ये वर्कआउट कर रहे हैं। तो आज का ये जो इंटरव्यू है ये आप लोगों के लिए काफी प्रेरणा स्रोत हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर कौन सी एज में या किस स्टेप के ऊपर हमें बिजनेस शुरू करना चाहिए। और हमारा प्रयास यही रहता है कि अगर आप एक सही उम्र के हिसाब से अगर बिजनेस को चूज करते हो तो आप खुद का और देश का दोनों का भविष्य बदल सकते हो। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एक्सिम बिजनेस एडवाइजर प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू सर। और मैं चाहूंगा कि आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है वो व्यूवर्स को दीजिए। ओके, सो मेरा नाम फरहाज है और मेरी उम्र 25 साल है। और अभी अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की है और फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट इस बिजनेस में आया हूँ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? जी सर, मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। ग्वालियर एमपी? जी जी सर। एक्सपोर्ट का मतलब इसको करने के लिए बहुत सारे लोग, आप तो चलिए माशाल्लाह मैं कहूंगा कि एक बहुत अच्छी एज के अंदर मानिए या बहुत जल्दी आप एंटर हुए हैं, जबकि इंडिया के अंदर एक माहौल इस तरीके का है कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो भी इस पार्ट में आने को डरते हैं। तो आपको क्यों लगा कि आपको एक एक्सपोर्टर बनना चाहिए या आपको एक्सपोर्ट इंटरनेशनल बिजनेस में जुड़ना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं यूएसए में, इटली में, मतलब दुनिया के हर कोने में, और शुरू से ही मतलब लोगों से कनेक्टिविटी रही है मुझे। तो मतलब एक मेरा था कि यार थोड़ा कुछ ऐसा काम करना है जिससे मतलब अलग अलग लोगों से जुड़ने का मौका मिले। देन इट केम टू इन माय माइंड। फिर मैंने करीब आपका 6 महीने तक वीडियो देखा, सिर्फ 6 महीने तक। फिर मैंने एक माइंड अपना सेटअप किया कि नहीं यार, आई वॉन्ट टू डू दिस बिजनेस। फिर मैंने आपकी टीम से कॉन्टेक्ट किया और बस यहीं से जर्नी फिर स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग एज के अंदर हम लोग भी कहते हैं कि नॉलेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग। सो एक हर्डल होता है, क्योंकि मैं इस चीज को बिल्कुल एकदम क्लियर शब्दों में कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से इस चीज पे फोकस रखता हूं कि अगर आप स्टार्टिंग में एक हार्ड वर्क कर लेते हो तो उसके बाद में सिर्फ आपको स्मार्ट वर्क करना होता है। तो आपको एंट्री पोर्शन पे क्या लगा कि क्या सच में यहाँ पे ये बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला था आपके लिए, क्योंकि आपको इसके पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं था। इवन आप डायरेक्ट, जैसा आपने कहा कि आपने अपना एजुकेशन जैसे ही कंप्लीट किया आप तुरंत बिजनेस में एंटर हो गए, तो आपके लिए ये कैसा रहा सर? जैसे कि भाई मैंने आपको बताया कि मैंने आपको 6 महीने तक यूट्यूब पे सुना, तो प्रॉपर सुना, सब कुछ जाना करा, तो और सारी चीजों की नॉलेज मिली। एंड ऑफ कोर्स जब आप नए होते हो तो डाउट्स भी होते हैं, आपको लगता है कि यार ये वर्कआउट करेगा क्या नहीं करेगा। बट एक माइंड में मेरे था यार कि नहीं यार ऐसा नहीं, आप जब उसको ऑनेस्टली करोगे, टाइम दोगे तो करेगा, क्यों नहीं करेगा। आफ्टर ऑल हम इंसान ही करते हो और कोई तो करता नहीं है। हाँ, बट जैसे स्टार्टिंग में मैं ये नहीं कहूँगा कोई ज्यादा प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई। कभी कभी ये होता था कि मैं राइट क्लाइंट को राइट प्रोडक्ट नहीं दिखा पाता था, और हमेशा आप बोलते एडवांस मांगने का, उसका भी मुझे लगता था कि यार बायर से मांगेंगे ये वो, और छोटी छोटी चीजें थी कि यार टू बी ऑनेस्ट मुझे एक्सेल भी बनाना नहीं आती। तो मतलब धीरे धीरे टाइम निकलता गया तो ये सारी चीजें बड़ी स्मूथ हो गई। तो ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जी मुझे कोई हर्डल्स नहीं आए, या बस यही है कि मतलब ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा कि ये बहुत टफ है या कुछ है, लेकिन हाँ अब जो लगता है अब तो बहुत स्मूथ हो गया है, मुझे बहुत इजी लगता है। यहाँ पे एक स्टार्टअप एक्सपोर्टर के तौर पे जब हम लोग देखते हैं तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस,
या हम लोग भी इसको एक इजी प्रोडक्ट कैटेगरी बोल के हम लोग पर्सनली सजेस्ट करते हैं फॉर द डिमांडिंग रिक्यूरिंग मॉडल एक्स वाई जेड, आप कुछ भी मानिए, बट आपने कारपेट जैसा प्रोडक्ट लिया, उसके पीछे के आपकी सोच और विजन क्या थी कि हाँ अभी कारपेट में, क्योंकि कारपेट का अपने आप में एक अलग ही, आप बोल सकते हो पैरेलल इकोनॉमी, आप इसको बोल सकते हो कि उसकी एक अलग ही दुनिया है, उसको परचेज करने की एक कस्टमर लॉ भी अलग है, स्टैंडर्ड पोर्शन होता है, मतलब बहुत अलग काइंड ऑफ प्रोडक्ट है जिसको आप एक रिलेटेड मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट आपके माइंड में कहां से आया और इसके पीछे की आपकी सोच क्या थी सर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि अभी मैंने आपसे बोला कि मैंने आपको काफी सुना है ये वो, जब मैं कोच कर रहा था तो पहले तो मेरा एक चीज डिसाइडेड था कि किसी एक या दो प्रोडक्ट पे वर्क करना है और उस पे ही अच्छी, जैसा जैसा हमेशा बोलते हैं कि ना यार अपना प्रोडक्ट पे कमांड बनाओ, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो मैंने वही किया। और दूसरा ये कि जब मैं कोर्स कर रहा था तो आपने भी एक सेशन में ये बात बोली थी कि यार प्रोडक्ट ऐसा चूज करो आप कि आप उससे कनेक्ट कर पाओ, आपको लगे कि हाँ यार मैं इसमें जा सकता हूँ। तो मुझे पर्सनली लग्जूरियस चीज पसंद है, तो इस वजह से ये रीजन है कि तो मैंने ये इंडस्ट्री चूज करी और फिर उस पर कमांड बनाई, हर चीज जानी उसके बारे में और दिन रात मतलब उसके बारे में जाना, इनफैक्ट अभी भी जानता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी नॉलेज कभी खत्म नहीं होती, आप जितने कलेक्ट करने पे उतना कम पड़ेगी। सो दीज वर द रीजंस दैट आई चोज द कार्पेट। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा, सर ने पूरा इनका जो एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन सेटअप वगैरह है वो हमारे पास से ही है, प्लस इनकी वेबसाइट है handsandcraft.in, आप लोग विजिट कर सकते हो। आप लोगों को अगर कारपेट में काम करना हो तो आप इनके साथ में कनेक्शन में आ सकते हो। अगर आप कारपेट इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो और अगर आपको आगे प्रोसेस सिस्टम करवाना हो तो भी आप सर के साथ में कनेक्शन में आ सकते हो, क्योंकि अब तक इन्होंने काफी अच्छा, जितना मैं एक स्टार्टअप्स को देखते रहते हैं हम लोग, तो उसमें ही इज द वन ऑफ द बेस्ट मैं इनको बोल सकता हूं, क्योंकि इन्होंने एक जो सिस्टमेटिक अप्रोच जो है वो बहुत अच्छे से अपने वर्किंग पे की थी। तो इंटरनेशनल में एक्सपीरियंस क्या रहा सर, आपने अप्रोचेज की होंगी अब तक बायर्स के साथ में, फिर किस तरीके से आपको स्टार्टिंग फेज जो होता है, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन अदर थिंग, इफ यू मेक अ कमांड इन स्टार्टिंग सेशन इट मींस आप आगे उसको फिर कंटिन्यू के अंदर अमेंडमेंट्स कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो स्टार्टिंग सेशन जो होता है वही एक स्टार्टअप के लिए सबसे ज्यादा पैनिक और कंफ्यूजेबल होता है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और आपने उसके ऊपर किस तरीके से वर्कआउट किया? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ही रहा शुरू से ही, क्योंकि जैसा कि मेनली एक आप बहुत से लोग आपसे ही पूछते हैं कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती ये वो, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं है कि आपको आप इम्पैक्टेबल इंग्लिश ही बोले, आपको बेसिक भी आते उससे भी काम चलेगा। और दूसरा ये है जब क्लाइंट से कनेक्ट किया तो मेजरली जो मेरे मैंने पहले सोचा कि मुझे यूएस मार्केट टारगेट करना है, तो वहां से लोगों से बात करी। मैं रात में 12 बजे के बाद कॉल करता हूँ, अभी भी करता हूँ उनके डायरेक्ट, उनके स्टोर्स पे, वेयर हाउसेस पे। तो कभी स्टार्टिंग में क्या हुआ, एक दो बार मैंने कॉल किया तो मतलब वो लोग काफी बिजी रहते हैं, किसी ने उठाया पूरी बात सुनी भी नहीं, काट दिया। ऐसा दो चार बार हुआ, मैंने कहा अरे यार ये क्या हो रहा है, बट कुछ नहीं, फिर कुछ लोग मिले जिनको वाकई में प्रोडक्ट चाहिए था, उनसे बात हुई। एक मैम है यूएसए में, उनकी उम्र करीब 70 साल है और उनका जो कारपेट का जो बिजनेस है वो काफी बड़ा है, एंड आई डोंट थिंक सो कि वो, आप ये भी बोल सकते कि यूएस के टॉप 5 में वो आती होंगी, ऑल ओवर द यूएस। तो बड़ी काइंड थी वो, मैंने उनको फोन किया तो मैंने बोला आपने इंट्रोडक्शन दिया ये, तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे कुछ प्रोडक्ट की जरूरत है बट अभी मैं अपने स्टोर में हूँ, तो आपसे बाद में बात करूंगी। फिर दो तीन दिन बाद उनका कॉल आया मेरे पास, फिर उन्होंने मुझे बताया। तो क्लाइंट के संग मेरा मतलब ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि अभी तक मैंने मेरे पे यूएसए के क्लाइंट हैं, इटली के क्लाइंट हैं, इनफैक्ट अफ्रीका के क्लाइंट हैं, ट्रिपोली के हैं,
तो हर दिन, अब ये तो हो गया है सर, हर दिन मेरे पास लीड साथी रहती हैं, मिलते रहते हैं। हाँ ये बात अलग है कि किस लोगों से एट द टाइम डील नहीं हो पाती, क्योंकि उसके भी बहुत फैक्टर्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनका भी वो स्टफ है, उनको वो जरूरत नहीं है। बट द मेन थिंग इज कि आप से जिसकी कनेक्टिविटी हो जाए, आप उसके टच में रहिए। वो आपसे आज नहीं तो आपसे कल जरूर मान लेगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। राइट राइट, यही एक जो यहाँ पे इंडिया में जो एक स्टार्टअप होते हैं सर, उनका सबसे बड़ा इश्यू यही होता है कि वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और फ्रस्ट्रेट होने का उनका रीजन ये होता है कि साहब हमने एक बायर डाटा के ऊपर मतलब 5-10 हजार लोगों को हमने मेल कर दिया है, हमारे पास में कोई रिप्लाई नहीं आया है। जबकि वो इस चीज को, ये जो लॉजिक है जो आप बता रहे हो, ये चीज हम लोग मोस्टली सभी को कहते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं, सारी कंपनीज के इतने सारे इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, वो हर आदमी आपको अप्रोच करता है, बट आप कभी भी उससे बाय नहीं करते हो। आप एक या दो को चुनते हो डेफिनेटली एक्चुअल लीड जब आती है तब। बट इंडिया के अंदर जो भी इस मार्केट में एंटर होता है, वो बहुत ही रैपिडली ग्रोथ करने के चक्कर में कहीं ना कहीं पे शॉर्टकट लेके और वहीं पे कोलैप्स हो जाता है। तो यहाँ पे आपने जो स्टेप लिया है, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज रियली गुड प्रैक्टिस, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर आप अपने कनेक्शंस भी बनाते हो और आप उनके साथ में अटैचमेंट में रहने की वजह से आज नहीं तो कल वो आपको ऑर्डर देगा ही देगा। तो ये जो कंट्रीज आपने डेफिनेटली बताई सर, इनमें से सबसे अच्छा रेस्पॉन्स कोरस्पोंडेंट आपको कहाँ का लगा कि हाँ भाई कहाँ के लोग सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन पार्ट में, कैजुअल कम्युनिकेशन में आते हैं? मिडिल ईस्टर्न, मिडिल ईस्ट। या वो उन लोगों से हुआ भी एक एक कोइंसिडेंट रहा है कि जितने भी मिडिल ईस्ट के मेरे पे लीड्स आई हैं, तो वो भी कुछ मेरी उम्र के, मेरे से 2-4 साल बड़े, मतलब काफी यंग लोग रहे। तो वो, मैं तो हमेशा ही सर करके बात करता हूँ, वो मेरे से वो ब्रादर ब्रादर बोलने लगे, तो मतलब एक अच्छी कनेक्टिविटी बन गई। और ऐसे ही मतलब मिडिल ईस्टर्न लोग काफी मतलब फ्रेंडली रहते हैं। और बात करी जाए अमेरिकन की, तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, टाइम लिमिट रहती है उनके पास। आप उनकी प्रोडक्ट, उनकी डिमांड है, आप उनको वो फुलफिल कर सकते हैं तो आपसे बात करेंगे, अदरवाइज आपसे बात नहीं करेंगे वो। जितना काम है उतनी ही बात। जी, सर अभी कारपेट के अंदर आपके पास में मतलब जैसे वेबसाइट तो हमें पता है आपकी, बट आपके पास में कारपेट्स की क्या रेंज अवेलेबल है? रेंजेस से सर, कार्पेट बेसिकली दो टाइप से आते हैं, एक आते हैं मॉडर्न, एक आते हैं ओरिएंटल्स, जिनको हम ट्रेडिशनल भी बोलते हैं। तो कारपेट की कुछ भी रेंज हो जो मतलब इंडिया में बनती है, सब अवेलेबल है। मैं कारपेट के बारे में और जानना चाहूंगा मैं थोड़ा सा, ताकि अच्छा क्योंकि अच्छा हमें इन चीजों के बारे में ज्यादा उतना इस प्रोडक्ट के बारे में ओके ओके नॉलेज नहीं ओके है, तो मैं ये जानना चाहूंगा ओके कि इंडिया जिस तरीके से मतलब काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, फिर कौन से प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड होती है, एक्स वाई जेड, जो भी आपने जो अपनी एक रिसर्च की है, आपके जो पर्सनल रिसर्च है, ओके उसके लिए मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपसे। जी। सो बेसिकली सर, डिमांड की तो मैं यही बोलूंगा, जैसे कि कारपेट के 3 मेथड रहती हैं और तीनों की डिमांड है। जैसे सबसे पहले होता है हैंड नॉटेड, जो 100% हाथ से बनाया जाता है, पूरा हाथ से बनता है। फिर होता है हैंड टफ्टेड, जो कि यूजली कमर्शियल प्रॉपर्टीज, होटल्स वगैरह में, रिजॉर्ट्स में, कॉरपोरेट ऑफिस में यूज होता है। और एक होता है हैंड वोवन। तो ये 3 कारपेट के मेथड होते हैं और इन तीनों की डिमांड इक्वल है। करीब हर दिन दिल्ली से 1,000 कंसाइनमेंट जाता है लगभग, मैं आपको दिल्ली का ही बता रहा हूँ जी। फिर वो कैसा भी हो सकता है, छोटे छोटा, बड़े से बड़ा, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी डिमांड है। और सबसे बड़ा इसका मेजर मार्केट है यूएसए। बाकी यूरोपियन यूनियन में तो सर शायद कारपेट का, वैसे भी यूरोपियन जो बेल्ट है वो तो कारपेट के लिए वैसे भी परचेजिंग में या एज एन इम्पोर्टर सबसे बड़ा इम्पोर्टर माना जाता है, तो मिडल ईस्ट और यूरोपियन बेल्ट में आपको क्या सबसे बड़ा फर्क लगता है, बाय प्राइसिंग, बाय क्वालिटी, बाय बिहेवियर, जो भी फैक्टर्स आप समझो? ओके
मिडिल ईस्ट में फर्क ये है सर कि आपको थोड़ा अवेयर रहना होता है पेमेंट टर्म्स के लिए। और यही बात अपन यूके और यूएस की करें तो वहाँ क्या होता है, अगर आपका आप वो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ, तो वो आपको 100% एडवांस भी दे देते हैं, तो थोड़ा फर्क ये है। हाँ, और जैसा कि मेरा भी सबसे पहले ही कंसर्न ये रहता है पेमेंट टर्म्स का, और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनको वही बताता हूँ कि ये मत सोचिए कि यार मुझे 100% मिल ही नहीं सकता। मैंने मांगा है और लोगों ने कुछ लोगों ने ऑब्वियसली उनके भी डाउट्स रहते हैं कि यार मेरा भी कंसाइनमेंट आएगा कि नहीं आएगा, बट एक बार आप ट्रस्ट जीत गए तो, और आपका जेन्युइन इम्पोर्टर है, ट्रस्ट में आपको 100% एडवांस देगा। सर यही एक सोच है इंडिया के अंदर, जिसके लिए एक तरीके से करीबन 1.5 से 2 साल पहले एक मुहिम जैसे ही मैंने शुरू किया था कि आप लोग डिमांड क्यों नहीं करते हो। और ये मैं एक्चुअल में ऑन स्क्रीन कहना चाहता हूं, चाहे आप हो या बहुत सारे ऐसे हमारे पास में एक्सपोर्टर्स हैं जो ये कहीं ना कहीं पे स्टार्टिंग में कंफ्यूज थे कि हमें क्यों देगा सामने वाला, हम नए हैं, एक्स वाई जेड फैक्टर्स हैं। और ये चीज समझाने का प्रयास हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं, चाहे वो हमसे जुड़े हुए हो या ना हो, कि आप लोगों को मांगने की एक बार हिम्मत करनी होगी कि इफ यू नॉट डिमांड तो वो उस चीज को रिफ्यूज करेगा ही करेगा, क्योंकि पैसा देना किसी को अच्छा नहीं लगता, सब लोग अपनी सिक्योरिटी पहले देखते ओके, हैं। सर राइट। आगे आपकी प्रोडक्ट रेंज में और कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप ऐड करोगे? जैसे कि मुझे पर्सनली हैंडमेड प्रोडक्ट पसंद है, तो इन फ्यूचर मैं हैंडमेड में जाना चाहूंगा। जैसे हमारे एक शहर है हमारे पास आगरा, अब वो तो ऑब्वियसली सब सभी जानते हैं, तो आगरा में मार्बल के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं। और दूसरा अपना आसाम और कोलकाता में वुडन फर्नीचर बहुत अच्छा बनता है, तो ओके ये मेनली मैं दो चीज और ऐड करना चाहता हूँ। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कारपेट, कारपेट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, या फिर जैसा सर ने बताया हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट में अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो भी आप handsandcraft.in वेबसाइट पे जाके इनके साथ में कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज ऑन स्क्रीन भी आपको नंबर दिख जाएंगे जिनके ऊपर डायरेक्ट आप इनके साथ में बातचीत कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को बता सकते हो, कैटलॉग शेयर कर सकते हो। अलोंग विद दैट, अगर आप मर्चेंट हो, आपको भी अगर कोई डीलिंग पार्ट के ऊपर वर्कआउट करना है और जहां पे आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे इनके साथ में मिलके करना है तो भी आप डिस्कस कर सकते हो। और स्पेशली जैसा सर ने बताया कि ये कारपेट में सबसे ज्यादा डील करते हैं, तो मैं यही मानूंगा कि जो लोग कारपेट से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं वो लोग जरूर एक बार सर के साथ में अटैचमेंट में आइए, क्योंकि दोस्तों ये अपने आप में आप लोग खूबसूरती बता सकते हो, इसको एक मोटिवेशन बता सकते हो आप इनका, या आप इनकी एक सोच देख सकते हो कि जहां पे ग्रेजुएशन या एजुकेशन के बाद में लोग हायर डिग्री के ऊपर जाते हैं वहीं पे इन्होंने बिजनेस को चुना है। और अपने आप में इस डिसीजन को लेना भी एक बहुत बड़ी चुनौती मानता हूं मैं इंडिया के अंदर, क्योंकि चाहे बाय पेरेंट्स हो या आप खुद वो चीज नहीं कर पाते हो, क्योंकि इस डिसीजन को लेने के लिए अंदर से अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा लगता है। और इसके लिए मैं सर को जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने एक राइट डिसीजन जो है वो खुद के लिए और अपने देश के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट करना सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इसका मतलब आप अपने देश के अंदर सहयोग दे रहे हो, आप अपने देश को आगे बढ़ाने का। तो अब तक की ओवरऑल जर्नी क्या, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है सर, जो आपने कुछ छोटे जो भी शिपमेंट्स आपने स्टार्ट किए हैं, जो भी प्रोसेस सिस्टम आपने स्टार्ट किया है, तो ओवरऑल जर्नी का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मैं बस एंजॉय करता हूँ सारी चीजें, बड़ा मजा आने लगा है। और जैसे कि और जो एस्पायरिंग एक्सपोर्टर है या जो नए एक्सपोर्टर बने हैं, तो उनको एक पेमेंट टर्म का लगता है, तो वो डाउट नहीं रहा। मैं मतलब कॉन्फिडेंटली लोगों से 100% एडवांस मांग लेता हूँ, एंड आई नो कि वो देते हैं, अनटिल अनलेस कि वो जेन्युइन है। तो मतलब सारे अच्छा लगता है मुझे, हर दिन किसी नए देश के बायर से बात करना, कनेक्टिविटी में आना, सो इट्स रियली गुड। कोई ऐसा मैसेज जो आप, क्योंकि आप खुद युवा पीढ़ी में आते हो,
तो आप दूसरे युवाओं को देश के हिसाब से, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए आज भी इसे भूत माना जाता है, एक्सपोर्ट को कहीं ना कहीं पे लोग डरे हुए रहते हैं, तो आपके हिसाब से कोई ऐसा एक कन्विनेंट मैसेज जो आप देना चाहते हो सोसाइटी को, अपने देश के युवाओं को? सी फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का जितना भी यूथ मैं मानता हूँ, ये वो काफी समझदार, काफी स्मार्ट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, एंड दैट्स ट्रू। बस जो लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं उनको कुछ पॉइंट्स याद रखिए अपने माइंड में। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना प्रोडक्ट बड़ा वाइसली चूज करें और उस पर कमांड बनाएं। अगर आप प्रोडक्ट वाइसली चूज नहीं करते या उस पर कमांड नहीं बनाते तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी आपको, बिकॉज जब आप इम्पोर्टर से बात करोगे, जब वो उसके बारे में पूछेगा, आपको नॉलेज ही नहीं है, तो वो उसी वक्त चले जाएगा। दूसरा, आपका जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, सोशल मीडिया स्ट्रक्चर है, उसको बिल्कुल एक्टिवेट रखें। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई एक बायर आया, उसने देखा और उसको थोड़ा बड़ा ऑर्डर देना है, 50 लाख रुपीज समथिंग मान के चलिए, सो ऑब्वियसली वो भी आपकी सारी चीजें चेक करेगा, आपकी प्रॉपर कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं IEC और जब का प्रोडक्ट उसकी RCMC एंड एवरीथिंग, और आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस, वो होगी तब आपका डील हो पाएगा। अदरवाइज वो सोचेगा कि यार ये कहीं है ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, सिर्फ मेरी इधर बात होती है, तो डाउटफुल हो जाएगा। तीसरा, थोड़ा अवेयर रहें। कभी कभी होता है, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम में समझ जाता हूँ, दो बार हो चुका है। एक किसी का मैसेज आया कि सर मुझे ये मेडिकल प्रोडक्ट चाहिए, तो इसका जो सेल्स मैनेजर था इंडिया में वो मर गया है, तो मुझे ये चाहिए और मैं आपका इतना कमीशन रखूंगा। तो मैंने उसका हिसाब लगाया, वो एक बार में कंसाइनमेंट मांग रहा था जिसमें मेरा प्रॉफिट होता 80-90 लाख रुपए। मैं तभी समझ गया क्योंकि ऐसा होता नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा गूगल पर सर्च किया, फिर मैंने ये जाना कि ऐसा ही फ्रॉड किसी पुणे के एक्सपोर्टर के साथ हुआ है। ऑल्दो मैं पहले ही समझ गया था कि ये एक बकायदा उसकी वेबसाइट थी ये थी, लेकिन वो कुछ होता है ना, मतलब उसकी बड़ी चीप सी इमेज लगी थी, तो बस। और दूसरा ये एक मेरे पे और आया, उसने मुझे बोला कि मुझे कारपेट, मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत है। मैंने कहा ओके, मैंने कहा बताओ, तो उसने पूरा ऑर्डर सेलेक्ट किया 1.5 करोड़ रुपए का, तो मैं वही समझ गया कि ये तो मेरे से बोलता है मैं आपको 50% एडवांस दूंगा और बाकी जब मैं शिपमेंट मुझे मिल जाएगा। तो मैंने कहा बोला नहीं, मैं 100% एडवांस पे काम करता हूँ। अब वो थोड़ा मुझे फोर्स करने लगा, अरे ऐसा नहीं होता ये वो। मैंने कहा सर मैं ऐसे ही काम करता हूँ, बिकॉज उसने प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट किया नहीं। सबसे पहले जो जेन्युइन इम्पोर्टर होगा ना, अगर उसको कुछ बड़ा ऑर्डर देना होगा, वो आपसे पहले एक पीस मंगाएगा और उसको भी मंगाने के लिए वो शायद 10 दिन लगा ले। पहले आपसे और बात करेगा, देखेगा कि यार इससे मंगा रहा हूँ, मेरा वेस्ट टाइम तो वेस्ट नहीं होगा, ये चीज सही भेजेगा। आपको कोई 1.5 करोड़ रुपए का ऑर्डर दे रहा है तो फिर आप थोड़ा सोचना है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अच्छे अच्छे मतलब मेरे से भी दुगनी उम्र के लोग इस चीज में फंस जाते हैं, मतलब थोड़ा दिमाग भी नहीं लगा पाते। सर उसके दो रीजन होते हैं, उसके दो रीजन हैं जो आप ट्रैपिंग बोल रहे हो, इसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन यही है कि उन लोगों के पास में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। विदाउट नॉलेज, मैं आपको सही कह रहा हूँ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पूरा का पूरा रिस्क से भरा हुआ है और इसमें 70% जो लोग हैं वो बाहर वालों की बात नहीं है, मैं आपको इंडिया की गारंटी दे रहा हूं। इंडिया में ही इतने मैक्सिमम लोग हैं 70% जो बस ये सोचते हैं कि किसको एक्सपोर्टर बनना है, वो उसको उसी टाइम पे एक्सपोर्टर बना देते हैं, विद इन 10 डेज ही एक्सपोर्टर बना देते हैं उसको, क्योंकि उसके पास में बाद में देने के लिए कुछ नहीं बचता, उसका जो भी है वो सारा सिस्टम वहीं पे। वो तो ये दो चीजों की वजह से होता है, विदाउट नॉलेज जैसा आपने बताया, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर जो है, ये चीज हम लोग हमेशा से कहते हैं। और इसका फर्क आपको पता है, आप काम कर रहे हो रियल में, तो आपको समझ में आया होगा कि ये अश्योरेंस क्रिएट करता है। बहुत अच्छा कंपनी वगैरह होती है तो उसका एक अश्योरेंस लेवल होता है, इनके पास में नॉलेज नहीं होता, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते, स्ट्रक्चर ये लोग बनाते नहीं है, इनके पास में सिर्फ एक चीज होती है कि मुझे काम करना है, और उसकी वजह से यह है कि विदाउट प्रॉपर नॉलेज वो फिर इस तरीके के ट्रैप्स में आते जाते हैं। इवन एक दो वीडियो जो हमने बनाए थे एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट,
ये भी एक नई टर्म, ये पूरा नेक्सस है ये, बट ये चीजें तब पता चलती है जब आप खुद नॉलेज लेते हो, जैसा आपने जो वर्कआउट किया है इन चीजों के ऊपर, तो आपने खुद ने आइडेंटिफाई कर लिया उस चीज को कि यार ये फर्जी है, क्योंकि आप जिस जैसे आपने अभी प्रोडक्ट के लिए आपने बताया अभी कि भाई प्रोडक्ट 1.5 करोड़ का चूज कर रहा है, लेकिन उसने प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज नहीं किए हैं, प्रोडक्ट को उसने एक स्पेसिफिकेशन आपसे नहीं मांगा है, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो ये आइडेंटिफाई करवा देती है कि आप उन चीजों को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो ये बहुत अच्छा काम आपने किया, क्योंकि मोस्टली इंडिया में 80% स्टार्टअप जो है वो इन फ्रॉड्स में आके बर्बाद होते हैं। तो आज ये जो आपने जो बताया है, मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि एक्चुअल में आपको इनसे ये चीज जरूर सीखनी चाहिए, आज आप लोगों के लिए आगे भी बहुत काम आ सकती है, कि आपके प्रोडक्ट की अगर आपके आपको अगर कमांड है, आप अगर सारे स्टेप्स आपके प्रोडक्ट के समझते हो, तो आप खुद को भी फ्रॉड से बचा सकते हो। ये एक तरीके से आपका सेल्फ डिफेंस सिस्टम जो है वो तभी बन पाएगा जब आपके पास में प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज होगा और अपने बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज होगा। तो यहां पे सर मैं एक लास्ट दो लाइन आपसे यही पूछना चाहूंगा कि कारपेट के इसमें आपको खुद को सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगता है, जिस जो आपको लगता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसके एक बहुत अच्छी डिमांड है? कश्मीरी सिल्क कारपेट। कश्मीरी सिल्क कारपेट। उसकी प्राइस क्या होती है सर? सर आप वो 1500 रुपए से लेके 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट। 1500 रुपए से लेके 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट। ओके, तो ये तो मेरे हिसाब से सिर्फ यूरोपियन और गल्फ की कुछ कंट्रीज में ही सेल होता होगा। गल्फ में भी नहीं, मेनली सर ये स्वीडन और जर्मनी जाता है। यूएसए में भी जाता है लेकिन कम जाता है। जी हाँ, ये मतलब एक ऐसी चीज है लाइक दुनिया में से कोई खूबसूरत चीज नहीं है। ग्रेट। और बड़ा बड़ा लेबर इंटेंस वर्क रहता है। जैसे कि आप 5x7 का कारपेट बनाते हैं तो उसको दो वीवर्स मिलके एक दिन का घंटों वर्क काम करके एक साल में कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये एक लेबर इंटेंस वर्क है। ओके, तो मतलब काफी खूबसूरत हम बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है वो काफी खूबसूरत होता है। जी जी बिल्कुल। मतलब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, इससे ज्यादा खूबसूरत तो कुछ हो नहीं सकता। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे चीजें डिस्कस करके, और कारपेट के लिए एक्चुअल में बहुत नई चीजें आपसे पता चली आज। और मैं यहाँ पे जाते जाते वापस एक बार मैसेज को ही कन्वे करना चाहूंगा कि जो लोग कारपेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो कारपेट इंडस्ट्री में एज एन मैन्युफैक्चरर या होलसेलर के तौर पे काम करते हैं, अगर आप भी ट्रेडिंग पार्ट में या अपने प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करवाना चाहते हो, तो आप handsandcraft.in वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। अगर आप इंडिया में हो या फिर इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में हो, अगर आपको कारपेट्स मंगवाने हैं मार्बल लिले टाइप के, और जैसा सर ने बताया हैंडीक्राफ्ट आइटम में भी अगर आपको इंपोर्ट करना है, तो आप handsandcraft.in जो लिंक आपको दिखाई दे रही है उस पे आप उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, वहां से अपनी इंक्वायरीज कर सकते हो। अदरवाइज सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, ऑन स्क्रीन भी अवेलेबल है, आप डायरेक्टली उस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और सर मैं आपको सही कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज अब तक किए हैं और आज का जो इंटरव्यू है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ योर वन टर्न कि आपने जैसे ही एजुकेशन कंप्लीट की आपने तुरंत इस चीज को चूज किया, और मैं यही आशा करता हूं कि आने वाला समय आपके जीवन का उज्जवल समय होगा सर। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, आज थे हमारे साथ में हैंड्स एंड क्राफ्ट के चेयरपर्सन। इन्होंने जस्ट आफ्टर स्टडी अपने बिजनेस को चुना। डिसीजन लेना किसी भी चीज के लिए बहुत ही कठिन होता है, लेकिन जब तक वो कठिन तब तक है जब तक आप अपने निर्णय को ना लें। और ये आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज कठिन तब तक है
जब तक उसको शुरू ना किया जाए, एक बार अगर आप शुरू करते हो तो कठिनाई अपने आप सरलता में बदलती जाती है। और आज इसी मैसेज के साथ में मैं इस सेशन को एंड करता हूं। आशा करता हूं आप और आपका परिवार इस कोरोना जैसी सिचुएशन में सुरक्षित रहें। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।